ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन? इस शब्द का मतलब है कि जो बच्चे की एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, जो फिटस की एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, कौन सी? फिटस की एमनियोटिक मेम्ब्रेन है जिसमें बेबी होता है मदर के वुम में, यानी ये जो मेम्ब्रेन है इसका फट जाना कहलाता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। डिलीवरी से पहले फट जाना, डिलीवरी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेबर पेन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना कहलाता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आई बात समझ में? मैं दोबारा बताता हूँ कि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है। लेबर स्टार्ट होने से पहले ही बेबी जिस मेम्ब्रेन के अंदर है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर है, उस मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाता है। ये एक असामान्य कंडीशन है, सामान्य कंडीशन नहीं है, एक असामान्य कंडीशन है। ओके, चलिए इसको स्टडी करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज ए रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन बिफोर लेबर बिगिंस, यानी कि लेबर शुरू होने से पहले मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना कहलाता है PROM, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, लेबर शुरू होने से पहले एमनियोटिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना कहलाता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, इफ PROM प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इट इज कॉल्ड प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, मतलब कि 37 वीक से पहले, कितने वीक से पहले? 37 वीक से पहले जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं प्रीटर्म, क्या कहते हैं? प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों बात हैं, यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर लेबर शुरू होने से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और दूसरी कंडीशन है 37 वीक से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो उसको कहते हैं प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी PROM। दो अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज PROM अकर इन अबाउट 8-10% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज, सभी प्रेगनेंसीज के अंदर अगर हम देखें तो 8-10% ये प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की कंडीशन देखने को मिलती है। हर 8-10% प्रेगनेंसीज के अंदर, 100 में से 8-10 प्रेगनेंसीज के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। कॉजेज, कारण की बात करते हैं, PROM के कारण की बात करते हैं, तो इसके कारण हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नियर द एंड ऑफ प्रेगनेंसी मे बी कॉज बाय नेचुरल वीकनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन और फ्रॉम द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी या हम कहें डिलीवरी के टाइम पे नेचुरली जो है वो अगर वीक है, वीक हो जाती है नेचुरली और वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, लेकिन टर्म से पहले, डिलीवरी से पहले, बिफोर टर्म, टर्म से पहले PROM इज़ ऑफ्टन ड्यू टू इन्फेक्शन। कारण क्या है? इन्फेक्शन है इसका कारण, इन द यूट्रस। PROM का कारण है इन्फेक्शन इन द यूट्रस, सबसे बड़ा कारण बताया है इन्फेक्शन इन द यूट्रस। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन का कारण है इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अदर फैक्टर हैं जिनके अंदर इंक्लूड किया गया है लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वुमन, मतलब कि जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, ख़राब है, वो महिलाएं प्रॉपर तरीके से प्रीनेटल केयर एडवाइस, सलाह या दवाएं, जो भी सुविधाएं जो प्रीनेटल केयर के दौरान मिलती हैं वो नहीं ले पाती हैं, और उस कारण से भी उनके अंदर ये PROM की कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा कारण है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जैसे कि क्लैमाइडिया और गोनोरिया, ये भी PROM का कारण है।
तीसरा है प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ, पहले कभी प्रीटर्म डिलीवरी हुई है, बर्थ हुआ है, वो भी पी आर ओ एम का कारण बनता है। नेक्स्ट है वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइनल ब्लीडिंग भी इसका एक कारण है। और नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान धूम्रपान करना भी पी आर ओ एम का कारण बनता है। और भी बहुत सारे अननोन कारण होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर इज दैट बेबी इज़ वेरी लाइकली टू बी बॉर्न विद इन ए फ्यू डेज ऑफ द मेम्ब्रेन रप्चर, रप्चर होने के बाद बेबी को बॉर्न होना ही पड़ेगा। अनदर रिस्क फैक्टर है पी आर एम इज डेवलप ऑफ ए सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द प्लासेंटल टिश्यू कॉल्ड कोरियोमेनिटिस। पी आर ओ एम होने के लिए प्लासेंटल टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है, जो क्या कोरियोमेनिटिस की कंडीशन होती है। ठीक है, प्लासेंटल टिश्यू इन्फेक्शन उसे हम कहते हैं कोरियोमेनिटिस, और ये भी पी आर ओ एम का कारण बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से, पी आर ओ एम की वजह से, प्रीमेचर रप्चर और मेम्ब्रेन की वजह से डेंजरस कंडीशन होती है बच्चे और माँ के लिए। ठीक है, अदर कॉम्प्लिकेशन दैट में अकर इन पी आर ओ एम, प्लासेंटल एब्रप्शन दूसरा कारण बनता है, प्लासेंटल एब्रप्शन। अभी प्लासेंटल एब्रप्शन की कंडीशन क्या होती है, देखो एंटीनेटल हेमरेज के दो कारण होते हैं या दो टाइप हैं, जिसके अंदर एक तो होता है प्लासेंटा प्रीविया और दूसरा होता है एब्रप्शन प्लासेंटा। प्लासेंटा प्रीविया क्या कंडीशन है कि व्हेन प्लासेंटा डेवलप इन द लोअर यूटराइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लासेंटा प्रीविया। ठीक है, लेकिन प्लासेंटा एब्रप्शन में क्या होता है कि प्लासेंटा डेवलप नॉर्मल प्लेस वेयर इन द एंडोमेट्रियम, अपर पार्ट ऑफ द एंडोमेट्रियम, और वहाँ से वो टाइम से पहले ही डिटैच हो जाती है, हट जाती है, उस कंडीशन को कहते हैं प्लासेंटा प्रीविया। यानी कि प्लासेंटा नॉर्मल जगह पे प्लेस है, वो अच्छे से ग्रो हो रही है, लेकिन टाइम से पहले ही अगर वो डिटैच हो जाती है उसको हम प्लासेंटा एब्रप्शियो कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका कारण कंप्रेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कंप्रेशन होना भी एक रिस्क फैक्टर का बनता है। नेक्स्ट है सिजेरियन बर्थ, सिजेरियन बर्थ अगर पहले कभी हुआ है तो वो भी एक कारण बनता है, और पोस्टपार्टम इन्फेक्शन ये भी इसका कारण है। पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद में कोई इन्फेक्शन, वो भी इसका एक कारण बनता है, वो भी रिस्क फैक्टर है। ठीक है, सिम्टम्स की अगर हम बात करें प्रीमेच्योर ऑफ रप्चर मेम्ब्रेन के सिम्टम्स में देखें तो हर एक फीमेल के अंदर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। क्या सिम्टम देखने मिलेंगे, लीकिंग और गस ऑफ वाटरी फ्लूड फ्रॉम द वजाइना, वजाइना से वाटरी फ्लूड का लीक होना या बहुत ज़्यादा निकलना। ठीक है, वजाइना से वाटरी फ्लूड को बाहर निकलना या लीक होना, ये एक सिम्टम देखने को मिलता है। दूसरा सिम्टम है कॉन्स्टेंट वेटनेस इन द अंडरवियर, जो फीमेल की अंडरवियर है या अंडरगारमेंट है वो हमेशा गीली ही रहेगी, वेट ही रहेगी, कारण मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है और उसके अंदर जो भी एमनियोटिक फ्लूड है वो बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से जो है अंडरगारमेंट जो है गीले रहेंगे, वेट रहेंगे। ओके, इफ़ यू नोटिस सिम्टम ऑफ पी आर एम तो डॉक्टर के साथ में जाना अनिवार्य है। ठीक है, अगर किसी भी महिला को ये सिम्टम देखने को मिलते हैं, लीक होना, वाटरी डिस्चार्ज होना, कंटिन्यूसली अंडरवेयर का वेट रहना, तो उसको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, हाउ इज़ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन डायग्नोस, कैसे डायग्नोस किया जाए, इन एडिशन टू ए कम्प्लीट मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। कम्प्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेनी चाहिए मरीज की, कम्प्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। मे बी डायग्नोस सेवरल वे इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या और तरीके से इसको डायग्नोज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स को एग्जामिन करके भी पता लगा सकते हैं सर्विक्स के अंदर क्या है, शो फ्लूड लीकिंग फ्रॉम द सर्वाइकल ओपनिंग, सर्विक्स जो है ओपन देखने को मिलेगी और उसके अंदर से फ्लूड लीक हो रहा होगा, इस तरीके से भी उसको एग्जामिन कर सकते हैं। दूसरा है टेस्टिंग ऑफ पी एच, जो फ्लूड बाहर आ रहा है उसकी पी एच को हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो पी एच है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है एमनियोटिक फ्लूड की। ठीक है, नेक्स्ट है लुकिंग एट द ड्राइड फ्लूड अंडर ए माइक्रोस्कोप मिस शो ए करेक्टर फर्न लाइक टेस्ट, फर्न लाइक टेस्ट कर सकते हैं हम जो फ्लूड है उसको एग्जामिन करके। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड,
एक डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक दैट कॉजेस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव एंड ए कंप्यूटर टू क्रिएट ए इमेज ऑफ ब्लड वेसल्स टिश्यू ऑर्गन्स अल्ट्रासाउंड इज यूज टू व्यू इंटरनल ऑर्गन अल्ट्रासाउंड इज यूज टू व्यू देखने के लिए इंटरनल ऑर्गन अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल ऑर्गन को देखने के लिए एज दे फंक्शन जैसे कि वे कार्य कर रहे हैं एंड टू असेस हाउ मच फ्लूड इज अराउंड द बेबी और बेबी के अंदर कितना फ्लूड है ये पता लगाया जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। बेसिकली कहने का मतलब है कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे के अंदर का व्यू लिया जाता है जिसके अंदर बेबी के चारों तरफ जो भी फ्लूड है अगर वो फ्लूड कम है तो सीधी सी इसका मतलब है कि वहाँ से फ्लूड निकल चुका है और निकलने की वजह से और निकलने का कारण क्या है फ्लूड निकलने का प्रीमेचर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ट्रीटमेंट अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर पीआरएम विल बी डिटरमाइंड ऑन योर डॉक्टर बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट बेसिस होता है योर प्रेगनेंसी ओवरऑल हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री प्रेगनेंसी पेशेंट की कंडीशन पेशेंट की हेल्थ और मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर एक्सटेंड ऑफ द कंडीशन और पेशेंट की कंडीशन ही मेन है पेशेंट कंडीशन जो भी अभी प्रेजेंट में हो रहा है उसके ऊपर योर टॉलरेंस फॉर स्पेसिफिक मेडिकेशन प्रोसीजर और थेरेपीज कि पेशेंट कौन से थेरेपी कौन सी मेडिसिन कौन से प्रोसीजर को टॉलरेट कर सकता है एक्सपेक्टेशन फॉर कोर्स ऑफ कंडीशन जो कंडीशन है उसके कॉजेज क्या हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट योर ओपिनियन और प्रेफरेंस जो आप चाहते हैं अगर प्रीमेचर रप्चर की कंडीशन है लेबर होने से पहले ही तो इसका मतलब LSCS भी कर सकते हैं या वजाइनल पेसिंग कंडीशन ठीक है तो उसको वजाइनली भी प्रीटर्म डिलीवरी कराई जा सकती है। ठीक है ट्रीटमेंट फॉर प्रीमेचर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में इंक्लूड इसके अंदर ट्रीटमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इन वेरी फ्यू केसेज ऑफ PPR1 PPR1 मतलब प्री टर्म प्रीमेचर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन मे सील ओवर द फ्लूड मे स्टॉप लीकिंग विदाउट ट्रीटमेंट ऑल्दो दिस इज अनकॉमन अनलेस PROM वाज फॉर्मिंग प्रोसेस सच एज एमनियोसिंथेसिस अर्ली इन गेस्टेशन ये कहने का मतलब है कि अगर PPROM की कंडीशन है तो मेम्ब्रेन को सील किया जा सकता है ताकि जब बेबी 37 वीक या उससे ऊपर हो जाए तभी डिलीवरी परफॉर्म करवाएं। ठीक है यानी प्रीटर्म डिलीवरी को होने से रोकने के लिए और PPROM की कंडीशन है और प्रोसीजर करना है मतलब PROM की कंडीशन है 37 वीक की कंडीशन है या 37 वीक से ऊपर की कंडीशन है तो प्रोसीजर करके उसको निकाल दिया जा सकता है। ठीक है ये बेसिकली एमनियोसिंथेसिस कंडीशन की वजह से भी PROM की कंडीशन देखने को मिल सकती है। मॉनिटरिंग फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन जैसे कि फीवर पेन इनक्रीज फीटल हार्ट रेट एंड लेबोरेटरी टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन होता है फीटल हार्ट रेट को एग्जामिन करना अगर फीटल हार्ट रेट 120 से 160 के बीच में है तो बेबी अभी नॉर्मल कंडीशन है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर इससे ऊपर या ज़्यादा है तो मतलब वो इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस को अगर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तुरंत ही कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है LSCS की नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म करवाने के लिए जो भी है। ठीक है या तो प्रीटर्म डिलीवरी करवानी पड़े या फिर टर्म डिलीवरी करवानी पड़े अगर PROM की कंडीशन है तो। नेक्स्ट इज गिविंग द मदर मेडिकेशन कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दैट मे हेल्प मेच्योर द लंग ऑफ द फीटस लंग मेच्योरिटी इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रीमेच्योर बेबीज हाउएवर कॉर्टिकोस्टेरॉइड मे मास्क एंड इन्फेक्शन द यूट्रस मतलब कि प्रीमेच्योर बेबीज को डिलीवर करवाना है तो ऐसे बेबीज के अंदर डॉक्टर प्रेफर करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि बेबी के लंग्स को मेच्योर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन टोकोलाइटिक्स मेडिकेशन यूज टू स्टॉप प्रीटर्म लेबर टोकोलाइटिक मेडिकेशंस वो मेडिकेशन होती हैं जो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को रोकती हैं क्या करती हैं यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को अवॉइड करती हैं कॉन्ट्रैक्शन होने से रोकती हैं वो दवाएं कहलाती हैं टोकोलाइटिक्स और ये तब दी जाती हैं जब बेबी 37 वीक से पहले हो। ठीक है ना 37 वीक से कम का है बेबी तब टोकोलाइटिक्स मेडिकेशन दी जाती हैं कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए ताकि डिलीवरी ना हो। ओके व्हेन वुमन विथ PPROM यूजली डिलीवर एट 34 वीक्स इफ स्टेबल
इफ देयर आर साइन ऑफ अब्रप्शन कोरियोमोनाइटिस और फीटल कॉम्प्रोमाइज देन अर्ली डिलीवरी शुड बी नेसेसरी। मतलब ये कहा गया है PPROM प्री टर्म प्रीमेचर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर ये कंडीशन कहलाती है 37 वीक से पहले की कंडीशन, ठीक है, PPROM की कंडीशन। तो इसमें बेबी को 34 वीक्स के बाद में और 37 वीक से पहले डिलीवर करवा सकते हैं अगर बेबी के अंदर सिम्टम है प्लासेंटल एब्रप्शन के या कोरियोमोनाइटिस के, फीटल कॉम्प्रोमाइज के, तब ऐसी कंडीशन में बहुत ही प्रीटर्म डिलीवरी की जा सकती है। ओके, हाँ, कॉम्प्लिकेशंस हम देखें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, प्रीटर्म बेबर्थ हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक कैसा लगा इसके बारे में कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल।